हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया, ये वृंदावन ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। आवर्तक, वृंदावन के ही ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी दुष्टता करने का साहस भी न कर सके। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं, और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं काना, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं, और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये वृंदावन ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं, डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा
सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। सावर्तक, वृंदावन का ही ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा, परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूँ जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। स्वामी, हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं, कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो।
परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहाँ चाहो वहाँ वर्षा होगी, जहाँ ना चाहोगे वहाँ सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए, इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है, फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो।